दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको उनकी बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी का नाम हर्षिता है और वो अपने पापा के लिए 5 महीने की छुट्टी लेकर उनके पास रहने के लिए आई हैं। सीएम केजरीवाल ने बुधवार को पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बातें बताई हैं, तो हम आपको बताते हैं सीएम केजरीवाल की बेटी के बारे में कुछ बातें। हर्षिता केजरीवाल अपने पिता की तरह पढ़ाई में काफ़ी आगे है। हर्षिता ने 12वीं में 96% अंक हासिल किए थे और इसके बाद वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। इसके बाद हर्षिता ने इंजीनियरिंग में सबसे मुश्किल माने जाने वाली परीक्षा IIT JEE में अच्छी रैंक हासिल की और पास होने के बाद 2014 में उन्होंने IIT दिल्ली में एडमिशन लिया था। बुधवार को केजरीवाल ने एक सभा में कहा कि मेरी बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, वो 5 महीने की छुट्टी लेकर आई है और वो मेरी विधानसभा में घूमकर लोगों से मिल रही है। सीएम केजरीवाल ने यह भी बताया कि लोग उससे कह रहे हैं कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, आप तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, सीएम तो चुनाव जीत ही जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं सीएम के लिए नहीं, आज़ादी की दूसरी लड़ाई में आहूति देने आई हूँ। आपको बता दें कि बचपन से पढ़ाई में हर्षिता काफ़ी तेज़ हैं और वो अपने पिता की तरह ही पढ़ाई में तेज़ निकली हैं और IIT दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इस पढ़ाई को पूरा करने के बाद वो इंजीनियरिंग के तौर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं, जहां से वो फ़िलहाल 5 महीने की छुट्टी लेकर अपने पिता के पास रहने आई हैं ताकि वो उन्हें समय दे सकें। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बेटे भी हैं जिनका नाम पुलकित है। पुलकित केजरीवाल ने इस साल 12वीं की परीक्षा पास की है और उन्हें 96.4% अंक मिले हैं और वो इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर पुलकित भी IIT दिल्ली में एडमिशन ले चुके हैं और अब देखते हैं कि पुलकित भी अपनी बहन की तरह मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं या फिर वो कुछ और कमाल दिखाते हैं या अपने पिता की तरह राजनीति के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।